तो कैसे हो आप दोस्तों। आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आज तक देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज सीन यार ऐसा हुआ है कि हमारे जो मिट्टू है वो भाग चुका था, उसको यार बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा। ये चेक करें, मेरे हाथ के ऊपर निशान भी अभी यहाँ पर आए उसने, मतलब इतनी ज़ोर से मुझे काटे यार। सीन ऐसे में इसके काट रहा था, नाहन काट रहा था, तो वो मुझसे भागे एकदम से, तो बड़ी मुश्किल से यार आज हमने उसको पकड़े। बड़ी ख्वारी हुई है करिए। मुफासा का घर हमने वो बनाया, सामने बैठता ये उधर घास के ऊपर है। अब क्या करें मुफासा तुम्हारा, पागल नहीं हो? घर में जाके बैठा करो ना। घर में दोस्तों जब से हमने इसका घर बनाया है ना, घर में तो ये जाते ही नहीं है। ये यहाँ पर हमने सब्जी वगैरह लगाई थी, अभी मैंने इसके ऊपर पानी वगैरह डाले, तो ये चेक करें इसने इसका क्या हाल किए हुए है। मतलब सारा उठा के ले जाते हैं, मतलब निकाल देते हैं, ज़मीन खोद के सब कुछ निकाल देते हैं। जो घास वगैरह था उसको मैंने सारा मतलब लगा, आग वगैरह लगा ली थी, तो अभी ऐसे और घास वगैरह से काटने हो तो जो पत्थर पड़े उसको मैंने दोस्तों सोचा क्या है कि यार हम जब केजेस वगैरह बनाएंगे उसमें ऐसा सीन ऐसा हो जाएगा कि मतलब पत्थर वगैरह पड़े हुए पत्थर हम जो नीचे बिछाएंगे इधर, मतलब उस दिन हम केजेस बना रहे थे लेकिन फिर नहीं बनाए थे, तो यहाँ पर जो नीचे पत्थर वगैरह लगाएंगे, पत्थर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि यार कल के दिन जो है नीचे से कोई चूहा वगैरह कोई चीज़ वगैरह आ जाए तो हमारे बर्ड्स को नुकसान ना पहुँचा दे। चेक करें हमारा मिनी जू जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े, अभी और दरख्त वगैरह भी लगाने हैं, तो अभी ये मतलब सर्दियाँ वगैरह थी, सारे पत्थर वगैरह जो थे के साथ जो थे वो सबको नीचे गिर गए थे, तो अभी सीन ऐसा करने के यार और भी लगाने हैं। उसके अलावा जो ब्लॉक वगैरह भी अभी थोड़े से और चाहिए होंगे हमें, क्योंकि उस साइड पर भी केजेस होंगे, उस साइड पर भी होंगे, और साइड पर भी जो है सारी केजेस वगैरह हम वहाँ तक बनाएंगे। तो केजेस मतलब अभी बहुत सारे यार बनाने हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, क्यों क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर मिनी जू में भी टाइम देना होता है, इसके साथ साथ अपने मास्टर केज को भी देखना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे मिनी जू में जो फर्स्ट एंट्री मुफासा की हो चुकी है। आज मुफासा आ जाओ, मुफासा आ गया जी। क्या हाल है, टेस्टी हो, ठीक हो? दोस्तों एक वाइज मुफासा है जो मेरी एक आवाज़ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है मुफासा? हाँ बैठा हुआ है जी नीचे मुफासा, कितनी शरीफों की तरह बैठा हुआ है। अगर इस मिनी जू में कोई और आ जाए ना दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ता ये भाई। कमेंट करके बताएंगे यार हम मिनी जू में जो और कौन कौन से परिंदे वगैरह बर्ड वगैरह ला के रखे, इंशाल्लाह जिस जिस चीज़ का आप लोगों ने बोला वो बोली सारी चीज़ें वगैरह हम अब ला के अपने मिनी जू में रखेंगे। बस हमें आप सब और सिर्फ जिस तरह आप लोगों ने पहले हमें सपोर्ट किया, वैसे इंशाल्लाह आगे भी इस तरह सपोर्ट करते रहें। वो रहे थे कि भाई आप अपने मिट्टू को बाहर क्यों निकालते पहले निकाल देते दोस्तों। ये जो है पहले हमारे साथ तो बिल्कुल टेम हुआ था, अभी इसने सीन ऐसा किया है, ये अभी बिल्कुल वाइल्ड हो चुके हैं। आज इसके मैं नाखून वगैरह काट रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, इतने हाथ के ऊपर जब हम बिठाते हैं तो काटते हैं आगे से, मतलब सही ही नहीं लग रहे थे इसके साथ, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, मैंने इसके नान काटने वाला लगा, ये मुझसे भागे ऐसे कि मतलब बड़ी दूर से हमने जो है इसके हमने पकड़ के मैंने इसको लाया। यकीन करें मेरे हाथ के ऊपर भी चोट लगी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये चेक करें जी ऊपर ये इस साइड पर, ये इतनी ज़ोर से मुझे मतलब काटा है ना कि मैंने इसको उधर ही छोड़े, ये आगे से भागे बड़ी मुश्किल से हमने, मतलब तीन चार लड़के मेरे साथ और थे तो हमने इसके फिर बड़ी मुश्किल से इसको पकड़े। वो ये बिल्कुल टाइम पहले सारा नहीं करता था, पहले हर वक्त हाथ के ऊपर बैठा रहता था, बीच में से इसको टाइम वगैरह नहीं दे सके, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल वाइल्ड हो गया हो चुका। ये चेक करें ये अभी कैसे काट रहे हैं, ये चेक करें जी। अब इसमें ये हरकतें आ चुकी हैं, आप लोग ये बताएं अब इसको बाहर निकालने के लायक है ये नहीं है, शरीफों की तरह रहता तो यकीन करें इसको भी हम इधर अपने साथ ले घुमाते फिराते जिस तरह पहले करते थे, लेकिन ये इसने शैतानियाँ शुरू कर ली हैं। अब आप लोग बताएं इसको कैसे अब बाहर निकालें, मस्तियाँ नहीं करा करो ना टेंगो। अब आपके लिए पार्टनर वगैरह भी हम ले कर आएंगे, ये देख करें इसी तरह फिर खुद को जख्मी करने लग जाएगा अगर इसको ज़्यादा हमने वो किया तो। उस वजह से बिल्कुल छोड़ दिए इसको मैंने, अपनी इसकी अपनी हालत की छोड़ दी, मैंने बोला यार खुद को कम से कम नुकसान तो ना पहुँचाए। दोस्तों अब आप लोग ही बताएँगे यार क्या करें कि बोल रहेंगे भाई एक का नाम टेंगो रख लें, एक का नाम मैंगो रख लें। यकीन जाने बहुत अच्छा मुझे ये नाम लगे इन दोनों के, तो आज के बाद इसका नाम टेंगो, इसका नाम मैंगो है, ठीक है नसीब? क्या कहते हैं इनका नाम, ये सही है ना, टेंगो और मैंगो। दोस्तों आज के बाद इनके दोनों का ये नाम है, इनको जाओ इनके आगे ला के डालो, इनकी खुराक वगैरह डालो ना, मिर्चें वगैरह डालो। दोस्तों ये मिर्चें जो है ना काफ़ी शौक से खाते हैं ना, इनको कभी हम दिन के टाइम एप्पल वगैरह डाल देते हैं, बस इनको मतलब यही सीन चलता रहते हैं, तो सुबह के टाइम मिक्स फीट वगैरह डाल देते हैं इनको। और दोस्तों जो मुर्गी ने मारे जो हमने अंडे रखे थे, बस उसके सारे बच्चे जो है और थे मतलब मर गए थे, किसी को बिल्ली उठा के ले गई थी, बस ये तीन बच्चे बचे हमारे पास, तो माशाल्लाह सब काफ़ी बड़े हो गए हैं ये तीनों, अल्हम्दुलिल्लाह सब फील हैं तो काफ़ी प्यारे हैं, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ये थोड़े दिन तक फिर दोबारा बच्चों जब बच्चों को छोड़ेगी तो फिर दोबारा हम इसके नीचे जो है बच्चे अंडे वगैरह रख लेंगे। अब लोग बस सीरियस हो गए, एक लाख के नहीं, हमने अब रिंग ने वैसे ही बोले कि एक लाख के रुपये गए, तो उसके बाद बस ये बात चलती रही है। और दोस्तों ये चेक करें किसी कबूतर भाग के आए हुए सीप, ये चेक कर, ये देखें यार हमारे सेटअप के ऊपर भी पिजन फहराते हैं लेकिन सब खाए हुए होते हैं बिल्ली ने, ये चेक करें यार किसी का आया हुआ है, हमारे पास पिजन होते हैं ना सीप, तो हमने हम इसको पकड़ लेते हैं आसानी से। देखो तो क्या कहते हो, लेके आने चाहिए नहीं आने चाहिए? इंशाल्लाह फिर लेकर आएंगे ना, गुड हो गया फिर इंशाल्लाह, उनके लिए हम ये पी सेटअप बनाएंगे उसके बाद लेकर आएंगे, सही है?
और दोस्तों ये रहा हमारा सेटअप का किंग, चेक करें यार आप माशाल्लाह से। बस कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर किएगा। ये जो आप मैंने अभी बच्चे बताए थे चिक्स, वो मुर्गी के जो छोटे वाले थे, वो इस मुर्गे के, चेक करें यार इस मुर्गे का अपना ही लेवल है माशाल्लाह से। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर किएगा, चेक करें आप। चलें इसकी मैं आपको एक और जो उसकी फीमेल बताता हूँ, इसी मुझे लगती है वो क्रुक होगी है। और दोस्तों ये जो हमारे सेटअप का राजा है ना, इसकी जो रानी है वो क्रुक होगी है, फिर दोबारा से बच्चे वगैरह निकाल के, तो मैं आपको जो भी बताऊँगा उसके एक बच्चे उस मुर्गी के साथ है। ये रही रानी, चेक करें या फिर दोबारा से, मतलब असी बस नंडे दे दिए ये अभी दे रही। और बस में जो है जितनी मादियाँ वगैरह हमारे पास पड़ी, उन्होंने आपस में पेयरिंग वगैरह की हुई है। यकीन जाने मुझे जाके ना आई या कल पता लगे, एक भाई ने बताया कि भाई ये सीन है सारा, ये तब ब्रीडिंग वगैरह नहीं कर रहे, कमेंट में भाई ने बताया। तो यकीन जाने काफ़ी मुझे हंसी भी आई है अपनी आप के ऊपर, ये देखें कि मैं क्या कर रहा था इतने टाइम से। मैंने बोला यार अंडे तो दे रहे थे लेकिन बच्चे बीच में से बच्चे वगैरह नहीं निकाल रहे थे। मैंने हमारे दोस्त थी उसको मैंने बताया कि यार ये देखो ये सीन है सारा, उसने बताया कि ये कहना चाहिए अपने सेटअप के ऊपर। तो इंशाल्लाह कुछ अरसा हम खुद रखेंगे, रखने के बाद इंशाल्लाह हम इसको जो है आज़ाद कर लेंगे। डॉग हाउस बनेगा वो हम यहाँ पर बनाएंगे, अपना जो गार्ड डॉग होगा उसके लिए हम यहाँ पर घर वगैरह बनाएंगे, छोटा उसको बना के साइड पे दे देंगे। मतलब यहाँ पर आज़ाद ही फिरेगा, लेकिन जब बारिश फिर होगी तो हम उसको यहाँ पर बंद वगैरह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कल से भाई मिस्त्री भाई आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने कल को बोला कि भाई मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा और आपके सेटअप का जो काम है वो स्टार्ट करूँगा। तो कल आएँगे इंशाल्लाह, यहाँ से हमारा जो डॉग है उसका जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस बोल रहे थे कि भाई आप अपने मिट्टू को बाहर क्यों निकालते पहले निकाल देते, दोस्तों ये जो है पहले हमारे साथ तो बिल्कुल टेम हुआ था, अभी इसने सीन ऐसा किया है, ये अभी बिल्कुल वाइल्ड हो चुके हैं। आज इसके मैं नाखून वगैरह काट रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, इतने हाथ के ऊपर जब हम बिठाते हैं तो काटते हैं आगे से, मतलब सही नहीं लग रहे थे इसके साथ, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, मैंने इसके नान काटने वाला लगा, ये मुझसे भागे ऐसे कि मतलब बड़ी दूर से हमने जो है इसके हमने पकड़ के मैंने इसको लाया। यकीन करें मेरे हाथ के ऊपर भी चोट लगी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये चेक करें जी ऊपर ये इस साइड पर, ये इतनी ज़ोर से मुझे मतलब काटा है ना कि मैंने इसको उधर ही छोड़े आगे से भागे, बड़ी मुश्किल से हमने मतलब तीन चार लड़के मेरे साथ और थे तो हमने इसके फिर बड़ी मुश्किल से इसको पकड़े। हुआ वो ये बिल्कुल टाइम पहले सारा नहीं करता था, पहले हर वक्त हाथ के ऊपर बैठा रहता था, बीच में से इसको टाइम वगैरह नहीं दे सके, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल वाइल्ड हो गया हो चुका। ये चेक करें ये अभी कैसे काट रहे हैं, ये चेक करें जी अब इसमें ये हरकतें आ चुकी हैं। बाप लोग ये बताएं अब इसको बाहर निकालने के लायक है ये नहीं है, शरीफों की तरह रहता था तो यकीन करें इसको भी हम इधर अपने साथ ले घुमाते फिराते जिस तरह पहले करते थे, लेकिन ये इसने शैतानियाँ शुरू कर ली हैं। अब आप लोग बताएं इसको कैसे बाहर निकालें, मस्तियाँ नहीं करा करो ना टेंगो। अब आपके लिए पार्टनर वगैरह भी हम ले कर आएंगे, ये देख करें इसी तरह फिर खुद को जख्मी करने लग जाएगा अगर इसको ज़्यादा हमने वो किया तो। उस वजह से बिल्कुल छोड़ दिए इसको मैंने, अपनी इसकी अपनी हालत की छोड़ दी, मैंने बोला यार खुद को कम से कम नुकसान तो ना पहुँचाए। दोस्तों आप लोग ही बताएंगे यार क्या करें,